बिलासपुर शहर में संचालित सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सामने नशे की सामग्री बिकने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट खुला। चीफ जस्टिस ने मीडिया में प्रकाशित खबर को संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर कराने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया। जनहित याचिका में राज्य शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कलेक्टर व एसपी बिलासपुर सहित अलग अलग आधा दर्जन विभाग के आला अफसरों को प्रमुख पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। दरअसल मीडिया में इस बात की जानकारी दी गई थी कि स्कूलों के सामने ठेलों में तंबाकू गुटखा सहित नशे के सामान की धड़ल्ले के साथ बिक्री की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इससे स्कूल के आसपास का माहौल खराब हो रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने माना है कि इससे कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।